आम जनता की थाली तक अन्न पहुंचाने को लेकर जिला मुख्यालय बिहार शरीफ स्थित सदर प्रखंड के सभा कक्ष में प्रखंड विकास पदाधिकारी राजीव रंजन तथा अनुमंडल पदाधिकारी जेपी अग्रवाल की देखरेख में जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई। आपको बताते चले कि यह बैठक आम जनता के बीच खाद्य आपूर्ति को लेकर की गई। आपको बताते चले कि प्रखंड बिहार शरीफ के अंतर्गत 9267 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, जिसका वितरण सुलभ तरीके से कराया जाए, जिसको लेकर जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि आम जनता के थाली तक अन्न आसानी से और सुलभ तरीके से पहुंच सके। 9000 प्लस राशन कार्ड तैयार है, वो बटेगा और पहले का जो बना हुआ है नहीं मिल रहा है उसे भी मार्च से मिलेगा। इतनी सारी बातें हुई और इसके लिए आप लोगों को करवाना क्या है, पॉस मशीन से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रहा है, आधार जोड़ी करवाना है, लाभार्थी का सत्यापन करवाना है। अभी पंचायतों में लाभार्थी का सत्यापन पेंशन के लिए, पेंशन योजना के लिए भी हो रहा है। सभी मुखिया जी हैं, सभी वार्ड लोग हैं, इसको भी सुनिश्चित करवाइए। पंचायत में लाइफ सर्टिफिकेशन हो रहा है, पेंशनधारी का भी लाइफ सर्टिफिकेशन का। शरीफ मंडल का सारे प्रखंडों में सप्लाईज के विषय पर बैठक हो रही है, जिसमें प्रखंड के सारे जनप्रतिनिधि, ये पंचायत समिति के मेंबर्स, मुखिया, जिला परिषद के मेंबर, वार्ड सदस्य, पंच को बुलाया गया है। जो सप्लाई में जो काम हो रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है और लिया जा रहा है फीडबैक कि उसमें और कुछ सुधार की आवश्यकता है तो बताइए। और ख़ासकर जो नया राशन कार्ड बनाया गया है उसका लिस्ट दिया गया है, उसका वितरण भी किया जाएगा अनाज भी। और ऐसे व्यक्ति जो अपात्र हैं और पात्र के रूप में वो कार्ड उनको लिए हुए हैं, उनका ही बताया गया है कि आप लोग गोपनीय रूप से हमको सूचना दीजिए, हम लोग उसको नाम काटने कार्रवाई करेंगे। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।